फ्रेंड्स, आज हम लोग यौगिकों का अणुभार निकालना सीखेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, परमाणु भार उसका दिया गया हो, तो उसका अणुभार कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे कह देता है कि एन ए ओ एच का अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। और दिया रहता है कि एन ए का परमाणु भार दिया है कितना, 23, ऑक्सीजन का दिया है 16, हाइड्रोजन का दिया है 1। ये परमाणु भार इनके दिए गए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक ना? इसको जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करते हैं कि जिस यौगिक का अणुभार निकालना होता है उसके जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं को उनके परमाणु भार में गुणा करके जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एन ए ओ एच का आणविक द्रव्यमान निकालना, यानी अणुभार, एन ए ओ एच का अणुभार, बराबर, ठीक ना? तो एन ए के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है, आ एक परमाणु का भार कितना है, 23, तो यहाँ 23 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे, हर एलिमेंट के बाद प्लस करते जाएंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना दिया है, 16, आ एक ही है तो एक बार 16 लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे। हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का कितना है, एक है, एक ही है तो एक लिख लेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, 1, 6, 7, 7, 3, 10 को 0, ठीक ना, 1, 2, 3, 3, 1, 4, यानी इसका अणुभार जो हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना होगा, 40 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए दे देता है कि एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अगर दे देता और दिया है नीचे परमाणु भार दिया है कितना, एन ए का 23, सी का 12, ओ का 16, वो मतलब ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन ए टू सी ओ थ्री का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान बराबर कर देंगे, ठीक ना? तो बराबर कर देंगे, देख लेंगे कि एन ए के कितने परमाणु हैं, 2, एक परमाणु का कितना, 23, तो 2 × 23 प्लस कर देंगे, ठीक ना? कार्बन कितना, एक है, एक का कितना है, 12 रखेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक ना? ऑक्सीजन का कितना है परमाणु है, 3 परमाणु है, आ एक परमाणु का कितना होता है, 16, ठीक ना? तो 3 परमाणु है, एक परमाणु का कितना होता है, 16, सॉल्व कर लेंगे, 23 दुना के 46, प्लस 12, प्लस 16 तियाँ 48, 8, 2, 10, 6, 16 को 6, 4, 5, 4, 9, आ एक हासिल कितना हुआ, 10, इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 106। ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तत्वों की जितने परमाणु होते हैं उनको परमाणु भार से गुणा कर देते हैं और सभी तत्वों को ऐड करते हुए जाते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना? जैसे मान लीजिए हमको दे देता है कि सी ए ओ एच ट्वाइस का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ दिया रहेगा सी ए बराबर 40, ऑक्सीजन बराबर 16 और हाइड्रोजन बराबर 1,
ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे सी ए ओ एच ट्वाइस का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर कर लेंगे। सी ए का कितना है 40, एक है तो एक को 40 लिख लेंगे। ब्रिकेट को जब खोलेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस कर लेंगे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 हाइड्रोजन का होता कितना है 1, बराबर क्या आएगा 40 और 16 दुना के 32 और 2 ऐड कर लेंगे, 2 4 0 लग 4 ही होगा, ठीक ना। 3 और 4 7 यानी 74 इसका आंसर होगा, ठीक ना। ऐसे किसी भी तत्व किसी भी यौगिक का हम अणु भार क्या करते हैं निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान क्या करेंगे निकाल लेंगे। आपके लिए 2 होमवर्क, ठीक ना, इसका आप निकालिएगा। Na NO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक ना। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यह आप दोनों के लिए क्या रहेगा होमवर्क है, ये 2 होमवर्क आपको करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है देना है।